वेलकम टू द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो विद अजय यादव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बॉलीवुड फिल्म शैतान के 19 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, क्योंकि फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैंने ये फिल्म देख के आया था, फर्स्ट डे फर्स्ट देख के आया था और मुझे ये फिल्म पसंद आई क्योंकि मैंने इसकी गुजराती वर्जन फिल्म नहीं देखी थी और यही रीजन है कि ये फिल्म काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है, क्योंकि जो वर्स है उसको हिंदी में रिलीज नहीं किया गया और उस फिल्म को काफी छोटी रिलीज मिली थी। फिल्म के स्टार कास्ट में है अजय देवगन, माधवन और ज्योतिका, साथ ही को स्टार हैं ज्योति। फिल्म को डायरेक्ट किया है विकास वेल ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जियो स्टूडियो और अजय देवगन ने और इस फिल्म को रिलीज किया गया था बॉक्स ऑफिस पे 11 मार्च 2024 को और ये साल की मच अवेटेड फिल्म थी। ये साल की मच अवेटेड फिल्म होने के बाद भी और रीमेक होने के बाद भी ये फिल्म काफी अच्छा बिजनेस कर गई है इंडियन बॉक्स ऑफिस पे। क्या आपने वस देखी है, क्या आपने शैतान देखी है, कमेंट में जरूर बताएं। और शैतान फिल्म को काफी मायनों में चेंज किया गया है क्योंकि फिल्म का जो एंडिंग है काफी चेंज है। बात करते हैं शैतान के 19 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो उससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। को रिलीज किया गया था इंडिया और ओवरसीज में तकरीबन 4500 स्क्रीन्स पे और फिल्म शैतान ने अपने डे वन पे कमाई की थी 15 करोड़ 20 लाख रुपए। साथ ही फिल्म का 19 दिन का कलेक्शन है 130 करोड़ 95 लाख रुपए और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 185 लाख रुपए। बात करते हैं फिल्म के बजट के बारे में, तो फिल्म का बजट काफी ज्यादा हाई नहीं है। फिल्म का बजट है सिर्फ 65 करोड़ रुपए और इस फिल्म को अभी से बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट की वर्डिक्ट मिल चुकी है क्योंकि आने वाले वीकेंड में काफी बड़ी फिल्में आने वाली है। फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्दी देखने मिलने वाली है। तो क्या आपने शैतान देखी या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या किसी लेटेस्ट जानकारी में। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन विद अजय यादव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।